बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सूरजमल जटी अस्पताल का किया निरीक्षण। बुलंदशहर कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में ही लेवल 2 हॉस्पिटल लगभग तैयार है। आज डीएम बुलंदशहर रविंद्र कुमार ने लेवल 2 हॉस्पिटल के सीएमएस के साथ सूरजमल जटिया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और तैयारियों को फाइनल टच देने की शुरुआत की। खुर्जा का ये सूरजमल जटिया हॉस्पिटल जो लेवल 2 कोरोना रोकथाम के लिए बनने की तैयारी में है, डीएम बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ पहले भी इस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चुके हैं। 60 बेड का ये हॉस्पिटल केवल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए होगा। जो मरीज वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में या गंभीर होंगे, उनके लिए तमाम सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ 60 बेड के इस हॉस्पिटल में मरीजों के बेड डिवाइस से भी मंगाए गए हैं। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बीमारियों के हैं, उनके लिए शासन को लिखा गया है। साथ ही जो निजी क्षेत्र के डॉक्टर हैं, वो भी यहां पर जनसेवा के तहत कार्य करें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, लेवल 2 कोविड अस्पताल की तैयारी के बारे में निरीक्षण किया गया। पूर्व में भी मैं आया हूँ, तैयारियाँ तेज़ी से चल रही है और अधिकतर तैयारियाँ हो गई हैं। कुछ इक्विपमेंट्स बाकी हैं जिनके खरीदने के प्रोसीजर्स होते हैं। सीएमएस है यहाँ पे, इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको शुरू। 60 बेड की हम लोग की कोशिश है, चूँकि शुरू में तो कम बेड थे, बट यहाँ पर कुछ हॉल थे जो कि यूज में नहीं हो रहे थे, उसको भी खाली करवा के बेड लगाया गया है। और बेड हम लोगों ने डिबई में एक 100 बेड हॉस्पिटल था, वहाँ से बेड लाए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट भी लाए हैं। मैन पावर की जहाँ तक बात है तो लगभग बाकी सब मैन पावर पूरी है। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में हम लोगों ने शासन से भी रिक्वेस्ट की है और लोकल लेवल में भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि मंथली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट दे के आ जाएँ। तो लगभग तैयारियां पूरी हैं, कुछ दिन और लगेंगे। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी से जल्दी हो उतनी हम स्टार्ट करेंगे। डीएम रविंद्र कुमार ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।